झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव पे जेल के डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचे एक संदेश सिविल सोसाइटी को हमारे इनमेट्स की तरफ से कि ये लोग चार दीवारी के अंदर हैं, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये आज अपने हाथों से ये तिरंगा सिविल सोसाइटी के लोगों को दे रहे हैं और खासकर उनके घर से जो मुलाकात करने आए हैं कि ये तिरंगा ले जाके अपने घर में फहराइए और गर्वित महसूस कीजिए कि हम भारतवासी हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अरे उधर मुड़िए, सामने मुड़िए, हाँ जब ये बाहर निकलेंगे ना ऐसे उधर मुड़ो, लाइए देखो छोटे से देख झंडे दो नहीं झंडे, हाँ घर जाके झंडा लगाना भी इसके हाथ में, किन्नु मिलना है, किसा मिलना है, ना तुसा किसा मिलना है, बच्चे है इसका बच्चे, चलो रोना नहीं है, रोना नहीं है, चलो चलो अब हम गेट के पास खड़े होते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, चलो चलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये लोग गेट नहीं लगा पाते, चलो मेजर आप ऊंचा कर लो। पूरा साल देश का आज़ादी का अमृतसव 75 साल मना रहे, तो हमें भी इंतज़ार था इस दिन का, क्योंकि जितने बाकी लोग जो बाहर सोसाइटी में है देश के लिए ज़रूरी है, वैसे हम भी है। कुछ हालात अनफॉर्चुनेट हालात की वजह से हम बेस अपनी सोसाइटी से कुछ बिछड़ गए हैं, ठीक है, मगर हमारे लिए भी हमारे दिलों में भी देश के लिए बहुत प्यार है। तो आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, तो हमारी फैमिलीज आई थी हमें मिलने के लिए, तो हमने उनको यहाँ से हम कुछ दे तो नहीं सकते थे, मगर हमारे पास देने के लिए जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने तिरंगा किया था देने के लिए, और हमने ये तिरंगा उनको गिफ्ट किया एज ए कि वो अपने घरों पर लगाए, अपने फैमिली की शान बढ़ाए और अपने वतन की शान बढ़ाए। ये तिरंगा नहीं, ये हमारी शान है, जान है, इसके लिए हम जितना भी करें वो बहुत कम है, क्योंकि इसके लिए हमारे जो पिछले जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, शहीद हो गए, फौजी हो गए, उसमें बड़े बड़े लीजेंड आते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करने का ये अवसर होता है। तो हम चाहते हैं कि ये तिरंगा हमारे घरों पर लगे और हमारे घरों की शान बढ़े, हमारी सोसाइटी की शान बढ़े, और हमारे नेबरहुड में है जो उनको भी एक मैसेज जाए, हो सकता है वो भी रातों रात तिरंगा घर पे लहरा दे। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, एक रखड़ी का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और 15 अगस्त का प्रोग्राम आ रहा है, और जब से ये मैडम जी आए हैं, मैडम जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया यहाँ पे, हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम जेल में हैं, एक परिवार की तरह हमारे रखा हुआ है, और स्टाफ मेम्बर वगैरह सारे में, और हमें इतना हौसला दे रहे हैं कि अपनी हमारी जेल जो कट्टी जा रही है, 8 साल हो गए मुझे जेल में, ऐसी हमने जेल कभी देखी नहीं, तब ना देख सकेंगे, और भगवान से फिर कृपा करते हैं कि मैडम जी को लंबी उम्र दे। हाँ,
तो यहाँ पे हमारे घर वाले जो आए थे, हमें मैडम जी ने हमें तिरंगा दिया है, हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। और जैसे हिंदुस्तानी का मतलब के रोल ऐसा होता है, तिरंगा, तिरंगे का नाम है बहुत ऊँचा और देश की शान है जी, शान और गर्वान। तो मैडम जी ने हमें फैमिली को हमने उनको भी तिरंगा दिया, घर घर में पैगाम दिया कि जेल में भी 15 अगस्त ऐसी बनती है तो जैसे बाहर बनती है, हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि हम बाहर हैं या अंदर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मीडिया का भी, तो मैडम जी का उस टाइम। देश में हम पिछले एक साल से इस उत्सव को मना रहे हैं, ये राष्ट्रीय पर्व है और गर्व की बात है कि हम सब भारत देश के वासी हैं और इस देश इस धरती पर जन्म। तो उसी सिलसिले में हर घर तिरंगा, एक हमारे जो डीजी प्रेजेंस हैं मिस्टर हेमंत भैया, रिसेंटली उन्होंने टेक ओवर किया, उनकी तरफ से एक मैसेज आया कि आप देखिए कि कुछ कैसे कर सकते हैं। तो हमें ये लगा कि इनमेट्स भी जो एक इसी माशरे का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग रिफॉर्मेशन की थ्योरी पे चलते हैं, कि वो लोग तो इस चार दीवारी के अंदर है, सिविल सोसाइटी भी शायद उनको भूल चुकी हुई है, लेकिन उनके मन में भी इस राष्ट्रीय पर्व के का हिस्सा बनने की एक उमंग थी, चाहत थी। उसी सिलसिले में आज हमने जब देखा हर तरफ हो रहा है, तो आज हमने एक इनिशिएटिव लिया जो कि डायरेक्टर जनरल प्रेजेंस के उनके इनिशिएशन पे था, कि आज जो भी मुलाकाती यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो उनके परिवार वाले हैं और दूसरा सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, प्रोमिनेंट लोग, कि जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो जेल के अंदर आए, ये तिरंगा जो उनके उन बंदियों के मन की इच्छा है कि वो अपने घर में इसको फहरा सके, चलो आज वो अपने हाथों से नहीं फहरा सके, उनके प्रियजन जो आज उनसे मुलाकात करने आए और हमारे इस सोसाइटी के, इस माशरे के जो भी जाने माने लोग हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो झंडा उनके हाथों से लेके जाएं और हर घर तिरंगा की उस थीम को उस लड़ी को आगे बढ़ाएँ, ताकि हम सब गर्व से कहें कि हम सब भारतीय हैं और ये जो जोश है, ये जो उमंग है, ये पेट्रियोटिज्म जो है, ये हम सब के दिलों में जिंदा रहना चाहिए और हमेशा तक हमारी आखिरी सांस तक भारत हमारे दिल में बसे, हमारी सांस में बसे।